Whilst we are going to continue with section 151, Bharti Nyaya Sanhita. Assaulting president, governor, et cetera, with intent to compel or restrain exercise of any lawful power. कहता है कि assault करना president को, governor को, et cetera, with intent to compel or restrain. इस नियत से कि उसको compel करना है या restrain करना है. क्यों restrain करना है? ताकि वो अपनी जो उसकी लॉफुल पावर है उसको एक्सरसाइज ना करे. अर्थात हुएवर विद इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग और कंपेलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, जो इस नियत से कि कंपेल करेगा या इंड्यूस करेगा, मतलब करवाएगा ऐसा काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट से टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर, ताकि वो अपनी लॉफुल पावर्स को इस्तेमाल ना करे असॉल्ट्स और रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट्स. असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट का कंसेप्ट जैसे मैंने आपको पहले समझाया, या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है. प्रेसिडेंट की गाड़ी जा रही है, रास्ते में रोक ली. अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रेस्ट्रेन और ओवरऑल्स बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स जताना, करना यूज, या फिर दिखाना, या फिर अटेम्प्ट ऐसा करना प्रेसिडेंट या गवर्नर के सामने, तो 7 साल की हद तक सजा हो सकती है. सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. ऐसा एक्ट जिससे देश की सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी या इंटेग्रिटी, इकट्ठे रहना, इकट्ठे जुड़े रहना, उसको तोड़ने का एक्ट कोई करे, तो हुएवर, ये नया कंसेप्ट है, नया सेक्शन इंड्यूस किया भारतीय न्याय संहिता में. हुएवर पर्पसली और नोइंगली by words either spoken or written or by signs or by visible representations, यानी कि words हो गए, signs हो गए, या visible representations होगी, या electronic communication हो गया, या by use of financial means हो गया. ठीक है, पैसे की supply करना इसलिए कि देश के खिलाफ आप एक movement चलाओ, ताकि देश की जो एकता है वो भंग हो जाए. ठीक है, encourages the feelings of separatist activities. देश में ऐसी फीलिंग्स को बढ़ावा देना या ऐसी फीलिंग्स लेकर आने की कोशिश करना कि उससे देश में डिवीजन हो और एंडेंजर्स सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट. ऐसा एक्ट कमिट करने पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और 7 years. ठीक है, या तो उम्र कैद या फिर 7 साल की हद तक सजा. एक्सप्लेनेशन में कहता है कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग ऐसी बातें जो दिखाती हैं डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेयर्स, यानी कि ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की पॉलिसीज, मेयर्स एक्शंस के खिलाफ जो कमेंट्स एक्सप्रेस किए गए हैं हताशा से भरे हुए, और वो कमेंट किए गए हैं इस पर्पज से ताकि उनके अंदर बदलाव आए कानूनी ढंग से, विद लॉफुल मींस, बिना एक्साइट किए हुए या बिना इस अटेम्प्ट के कि एक्साइट हों लोगों की फीलिंग्स देश के खिलाफ, वो चीज इस ऑफेंस का हिस्सा नहीं होंगी. ठीक है, ये बात उन्होंने क्लियर की है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इल विल इंटेंशन गलत तो है नहीं ना. देश के खिलाफ की पॉलिसीज के खिलाफ अगर आपने कुछ कहना है या रखनी है बात, लोकतंत्र में आप रख ही सकते हो वैसे भी. सेक्शन 153 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सजा कितनी हो सकती है? उम्र कैद या 7 साल की हद तक. क्या कहता है कंसेप्ट? कि युद्ध खड़ा कर देना सरकार के खिलाफ किसी फॉरेन स्टेट जो अपने इंडिया के साथ शांतिपूर्वक है. Whoever wages war against the government of any foreign state at peace with the government of India or attempts to wage such war and or abets the waging of such war. ठीक है भाई, very simple concept जो मैंने समझा दिया भाई. Section 154 committing depredation on territories of foreign states at peace with the government of India. अब depredation commit करना, यानी कि degradation commit करना, कहाँ पर? दूसरे देश की धरती पर, जो देश हमारे साथ बढ़िया से रह रहा है, मतलब बढ़िया से अच्छे रिलेशन है जिनके साथ हम शांति से रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. Whoever commits depredation, degradation or makes preparations
to commit such degradation on the territories of any foreign state at peace with the government of India shall be punished with imprisonment to the extent of 7 years and shall be also be liable to the fine and to the forfeiture of any property. Forfeiture wali jo punishment hai wo in do sections mein use ki gayi hai, section 154 and 153. Theek hai, ये सेक्शन किससे डील करता है? प्रेपरेशन से. एमसीक्यूज में पूछते हैं कि विच सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता विल डील विद फॉरफीचर पनिशमेंट, तो आपने बताना 154 और 159. और वो पूछेंगे कि विच सेक्शन डील्स विद पनिशेस प्रेपरेशन आल्सो. ऐसे 3-4 ऑफेंसेस होंगे भारतीय न्याय संहिता में हैं जो पनिश करते हैं प्रेपरेशन को भी. तो जो जो है साथ साथ मैं आपको नोट करवा रहा हूँ. सेक्शन 154 आल्सो डील्स विद प्रेपरेशन and makes the preparation punishable. तो ये चीज आपने रट लेनी है कि सेक्शन 154 प्रेपरेशन को पनिश करता है. और जहां जहां भी मैंने आपको नोट करवाया कि प्रेपरेशन पनिशेबल है वो पनिशेबल है. ठीक है. सेक्शन 155, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 153 एंड 154. Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in section 153 and 154 shall be punished with imprisonment. कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है जानते हुए कि वो ऑफेंस करके कौन सा 153 154 का, यानी कि जानते हुए वो आउटकम है युद्ध खड़ा करने की फॉरेन स्टेट के खिलाफ या फिर डिग्रेडेशन कर रही है फॉरेन टेरिटरी के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में रिसीव करी हुई प्रॉपर्टी रिसीव करने पर भी 7 साल की हद तक सजा और फॉरफीचर की सजा आपको होगी कि फॉरफीट करनी पड़ेगी वो सारी प्रॉपर्टी आपको. सेक्शन 154 और 155 दोनों के दोनों डील करते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से. अब आ जाओ सेक्शन 156 पर. पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और ऑफ वॉर टू एस्केप, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो सरकारी कर्मचारी खुद ही अगर अलाउ कर रहा है कैदी को ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप, यानी कि जो स्टेट प्रिजनर है या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर है. स्टेट प्रिजनर कौन? जो इस चैप्टर के तहत जो जिसको सजा की गई है, ठीक है, जो कैदी बनाया गया, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर जो लड़ाई हुई है देश की, जंग हुई है उसमें जो कैदी पकड़ा है उसको ही पब्लिक सर्वेंट छुड़वा दे, तो एक तरह से देशद्रोह करने वाली बात है. ठीक है, देशद्रोही होने वाली बात है. लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल की हद तक सजा हो सकती है. सेक्शन 157 भारतीय न्याय संहिता, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली यानी कि गलती से, नियत नहीं थी उसकी, सफर किया सच प्रिजनर टू एस्केप. सेम वही वाले प्रिजनर को अगर एस्केप कर दिया, कौन सा? जो प्रिजनर ऑफ स्टेट है हु इज इन द प्रिजन टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट विच इज कवर्ड अंडर दिस चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग, और हु इज देयर इन द प्रिजन एज एन आउटकम ऑफ वॉर. तो ऐसी सिचुएशंस में जो प्रिजनर को नेग्लिजेंटली गलती से अगर पुलिस वाला छुड़वा देगा, निकल जाएगा उसके हाथों से, छूट जाएगा, तो पुलिस वाले को 3 साल की हद तक सजा. सेक्शन 158, एडिंग एस्केप ऑफ और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, कहता है कि ऐसे प्रिजनर की जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे प्रिजनर को निकल जाने में मदद करना या फिर छुड़वाने की पूरी रेस्क्यू अटेम्प्ट करना उसका, या रेस्क्यू करवाना उसको, छुड़वाना, या फिर ऐसे कैदी को हार्बर बना देना. ठीक है, ऐसे केस में कितनी सजा? लाइफ इंप्रिजनमेंट की हद तक की सजा या फिर 10 साल की हद तक की सजा. तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल विद अ सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया इज सेड टू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी. तो कहते हैं कि पैरोल पर अगर उसे बाहर निकाला भी गया, ठीक है, तो वो पैरोल में देश छोड़ के जाने की कंडीशन नहीं दी गई और वो कंडीशन को ब्रीच करके बाहर भाग जाता है, तो क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कि वो बंदा भाग गया, रेस्क्यू कर गया, एस्केप कर गया. ठीक है, सजा जैसे बताई कि जो ऐसी मदद करेगा उसको उम्र कैद या 10 साल की हद तक की सजा होगी. अच्छा, सेक्शन 159, अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सेलर सोल्जर एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, चैप्टर 8 शुरू हो गया, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. कहता है कि अबेटिंग म्यूटिनी यानी कि खुला ओपन रिबेलियन, खुली बगावत करना है किसके खिलाफ, या फिर अटेम्प्ट करना कि किसी सोल्जर को सेड्यूस करने का, ठीक है, या फिर
सेलर को या एयरमैन को, तीनों तरह की सेनाएं आ गई ना, जल थल वायु, फ्रॉम हिज ड्यूटी सड्यूस करना कि वो ड्यूटी अपनी ना करे, बस इधर उधर लगा रहे, या फिर किसी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुला रिविलियन करना, खुली बगावत करना, हु एवर अबेट्स द कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी बाय एन ऑफिसर सोल्जर सेलर और एयरमैन इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट टू सड्यूस, ठीक है, दोनों के दोनों तरह के ऑफेंस आ गए, खुली बगावत करना और अटेम्प्ट टू सड्यूस करना, दोनों के दोनों, फ्रॉम हिज एलिजियंस यानी कि लॉयल्टी से, उसकी खुद की जो लॉयल्टी किसके साथ है, देश के प्रति है, ड्यूटी पर वो और किसी चीज पर नहीं, उसका ध्यान देना होना चाहिए, फौजी का अपनी ड्यूटी पर ध्यान होना चाहिए, और जो उसको हटाने में कोशिश करेगा, अटेम्प्ट टू सड्यूस फ्रॉम हिज एलिजियंस और हिज ड्यूटी, तो शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन जैसे ही वर्ड आ जाता है समझ लो रिग्रेस या सिंपल, जज की मर्जी है कौन सी देनी, विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल की हद तक, ठीक है, उम्र क्या दी है, 10 साल की हद तक कर सकते हैं, सजा दिला सकते हैं। सेक्शन 160, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। अच्छा, सेम ऑफेंस ऊपर वाला, लेकिन अबेट किया है इस बारी, अबेटमेंट करी है उस ऊपर वाले ऑफेंस की, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड, अबेटमेंट करी और म्यूटिनी भी हो गई, रिजल्ट में कितनी सजा, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा, ठीक है। तो इधर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम कि हुएवर अबेट्स द कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी बाय एन ऑफिसर सेलर सोल्जर और एयरमैन, ठीक है, ऊपर हम सजाए मौत नहीं दे रहे थे, जो बगावत कर रहा था ऑफिसर सेलर सोल्जर एयरमैन उसको हम सजाए मौत नहीं दे रहे थे, लेकिन जो ये काम उस फौजी से करवा रहा था उसको सजाए मौत की हद तक भी सजा दे सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।